आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर इस तरह बंद स्क्रीन पे आप कॉर्नर पे अगर देख रहे हो तो यहां पे मेरे पास सारे नोटिफिकेशन उसके आइकॉन के हिसाब से यहां पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपने सिंपल फ़ोन में इस तरह से आइकॉन शो करवाना चाह रहे हैं कि आपका फ़ोन बंद पड़ा हो इस तरह से नीचे और आपके जो है नोटिफिकेशन इस तरह पॉपअप कर रहे हों आइकॉन के साथ साथ, तो ये वाला सेटअप किस तरह से करना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हो दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है नोटिफाई बबी। तो ये जो है ऐप आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं सिंपली ओपन कर लेता हूं। ओपन करके यहां पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाए जाएंगे कि आप किस किस चीज के नोटिफिकेशन दिखाना चाह रहे हो। तो मैं सबके नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो हर टाइम सामने नजर आएं। तो इनमें से आप जिनको ऑन करोगे उनके नोटिफिकेशन आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जो है आप इसकी सेटिंग में चले जाओगे नीचे, अगर आपको नीचे टैब नजर आ रहे होंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाओगे। सेटिंग के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अनेबल LED, तो इसको जब आप अनेबल करोगे तो वो चीज़ें ऑन होंगी। उसके बाद यहाँ पे है कि LED एनिमेशन टाइम कितनी देर तक रहे, उसके बाद ब्लिंकिंग टाइम, आप इनको क्लिक करके इनको यहाँ से सेकंड्स हैं, आप जितने सेकंड का कहोगे वो उतनी देर तक वहाँ पे रुकेंगे और उतनी देर के लिए गायब होंगे। तो यहाँ पे स्टॉप टाइम, यहाँ पे स्टार्ट डिस्प्ले, यहाँ ये सेटिंग में एक बार आपको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको सेटअप किया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वरना आप खुद से अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग है मेरे पास। अब मेन चीज़ रहेगी इसकी पोजीशन और इसकी साइज़ की। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देख सको पोजीशन एंड LED साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मेरे पास एक ट्रिगर आ गया। इस ट्रिगर से जो मैं अपने आइकॉन को कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये देखो, मुझे जहाँ पर आइकॉन शो करवाने वहाँ पर मैं इसको रख लूँगा। तो कॉर्नर पर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको कॉर्नर पर सेट कर लेता हूँ। इसका साइज़ है ये देखो, बड़ा छोटा सेट कर सकते हो आप। सारा कुछ करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये बैक चल गया। अब जो है मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे जहाँ पे मैंने सेटअप किया है वो वहाँ पे आएंगे अब। तो ये वाली ऐप है और ये वाली सेटिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप भी अपने बंद फ़ोन पे यानी ब्लैक सारी स्क्रीन है, फ़ोन आपका बंद है लेकिन कॉर्नर पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन पॉपअप करता हुआ आपको नज़र आने वाला है। यही थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।